टी20 वर्ल्ड कप ने इंडियन टीम की 15 मेंबर की स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सबसे अच्छी खबर इंडियन फैंस के लिए, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल टीम में वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी भी टीम में जगह नहीं मिल पाई है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइन ऑफ क्रिकेट में। इंडियन टीम की स्क्वाड कल शाम को अनाउंस कर दी गई थी। फैंस के लिए अच्छी खबर, जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल टीम में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ईशान किशन और संजू सैमसन जैसे बड़े खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिल पाई है। जडेजा इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध नहीं है और आई थिंक सबसे बड़ा झटका ये भारतीय टीम को है। आपको क्या लगता है, जल्दी ही कमेंट्स में बताइए। सबसे पहले बात करते हैं टीम की, तो सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा, वाइस कप्तान केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा। टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ पंत को बैक किया है और साथ ही दिनेश कार्तिक, ये दो विकेट कीपर को सेलेक्ट किया गया है। और इसके बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तीन स्पिनर, सबसे पहले अक्षर पटेल जो कि जडेजा की अनुपस्थिति में इनको मौका दिया गया है, दूसरे नंबर पे रविचंद्रन अश्विन और तीसरे रिस्क स्पिनर यजवेंद्र चहल। इन तीन स्पिनर्स को भारतीय टीम लेके जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं चार तेज गेंदबाजों की, इसमें से सबसे पहला नाम आता है जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। इन चार फास्ट बॉलर्स को भारतीय टीम लेके जाएगी। और बात करते हैं रिजर्व खिलाड़ी की, तो सबसे पहला नाम मोहम्मद शमी, दूसरा श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर। इन चार प्लेयरों को भारतीय टीम एज अ स्कैंक बाई प्लेयर लेके जाएगी। भारत ने एशिया कप की टीम को बैक किया है। ओवरऑल 2021 वर्ल्ड कप की टीम से ये टीम काफी बेहतर लग रही है, लेकिन यहाँ कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे सबसे पहला, क्या मोहम्मद शमी 15 में हो सकते थे? क्या संजू सैमसन और ईशान किशन को मौका मिल सकता था? और सबसे बड़ा सवाल जो इस समय शायद पूरे इंडियन फैंस के दिल में होगी, क्या जडेजा की कमी खलेगी? कमेंट्स में बताइए। और जो हमने लास्ट टी20 वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, क्या वो फिर से दोहराया जा सकता है रोहित शर्मा की कप्तानी में? और ये भी बताइए कि आपकी टीम क्या होगी पहले मैच के लिए जो कि पाकिस्तान से 23 अक्टूबर को होना है, कमेंट्स में जल्दी बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते ये भी बताते हुए जाइए कि इंडियन टीम में आपको सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन लगता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।